नमस्कार किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी कम कीमत वाला थ्रेशर। ये एक मिनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर है। श्री गणेश एग्रीकल्चर वर्क्स की ओर से इस थ्रेशर को लॉन्च किया गया है। छोटे ट्रैक्टर पर भी चल जाएगा। इसके अलावा उस पर कितनी वारंटी रहती है, सब्सिडी कितनी मिलेगी, फाइनेंस के लिए क्या सुविधा है, तो वो सभी जानकारी आपको आज बताने वाले हैं। और किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो भी इसकी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के एम्प्लॉई सुपरवाइज़र श्री गोजाराम जी। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जो ये हमारा मिनी मल्टी क्रॉप मॉडल लॉन्च किया है श्री गणेश कंपनी ने, इसी साल ये मिनी मल्टी क्रॉप लॉन्च किया। इसकी मेन विशेषता सर ये है कि छोटे भी किसान आसानी से अपना काम कर सकता है। छोटे किसान के लिए जो अलग अलग फसल बीजते हैं तो उसके लिए अलग अलग वैरायटी का या अलग अलग क्वालिटी का वो थ्रेशर सरकार से लाएगी। इसलिए कंपनी ने किसान की ज़रूरतमंद को ध्यान में रखते हुए ये छोटा मिनी मल्टी क्रॉप मॉडल लॉन्च किया है। इस मॉडल के अंदर किसान अपनी कोई भी फसल, ऑल फसल जैसे अरंडी है, मूंग, मोठ, गवार, ऑल फसल किसान आसानी से निकाल सकता है। और इस फसल के अंदर छोटा मिनी मल्टी क्रॉप होते हुए भी सुविधा सारी बड़ी मशीन जितनी दी हुई है, जो श्री गणेश का मल्टी क्रॉप कंपाइन मॉडल है, वो सुविधा इसी के अंदर आपको मिलेगी। और जो इसका पार्ट्स वो जो भी चीज़ यूज ली गई है वो ब्रांडेड कंपनी की यूज ली है। आप आगे से देख लीजिए, जो सेसिस का मॉडल है और जो सेसिस बनाई हुई है वो मेन हैवी सेसिस बनाई हुई है। तो उसके बाद में इसके आगे जो पुली का सिस्टम दिया हुआ है, इसके अंदर ही डबल और सिंगल का सिस्टम दिया हुआ है। आगे सिंगल ग्रुप है, पीछे डबल ग्रुप है। जैसे मिनी मल्टी क्रॉप के अलावा ऑटो फीडर है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर कंबाइन है, उसके तरह तरह इसमें भी सिस्टम दे रखा है सिंगल और डबल का। सिंगल डबल सिस्टम देने का फायदा है कि कोई भी आप अनाज जैसे दलहन, तिलहन, अरंडी, कोई भी अनाज आसानी से आप बेल्ट बदली करके किसान निकाल सकता है। जैसे कि किसान के पास मतलब 5 बीघा ज़मीन है और उसने 4 फसल बो रखी है, तो वो 4 फसल के लिए अलग अलग कहाँ से लाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च किया है। इस मॉडल के अंदर किसान अपने जैसे कोई भी एरिया, गुजरात है, पश्चिमी राजस्थान है, इसके अंदर अरंडी की फसल बहुत होती है, तो अरंडी के साथ साथ किसान के साथ बाजरा भी है, मूंग भी है, गवार भी है, तो आगे आने वाली फसल के अंदर जीरा और ये सब है, वो सब फसल एक ही साथ निकालने की इसके अंदर सुविधा प्रदान की हुई है। मल्टी क्रॉप थ्रेसर, ऑटो फीडर बड़ा वाला थ्रेसर है और ये छोटा थ्रेसर है। सबसे बड़ा किसान का इशू है कि जो रेट का है, छोटे किसान मतलब 3-4 लाख रुपये खर्च नहीं कर पाते, तो उसलिए किसान के लिए सुविधाजनक ये छोटा मॉडल लाया, जो कि किसान कम लागत के अंदर और कम खर्चे के अंदर पूरा अपना काम कर सकते हैं। जो जितना बड़ी कंबाइन काम करती है वही काम यही थ्रेसर करेगा, पर छोटे किसान के लिए जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, इस साइड है, आगे साइड है, किसान के पास 2-5 बीघा ज़मीन है, तो उस किसान को बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं रहती है, नहीं उसके पास बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत है। सबसे बड़ा इशू है कि यह मतलब 30 HP का ट्रैक्टर आराम से चला लेगा, तो 30 HP का ट्रैक्टर छोटे किसान के पास भी होता है। छोटे किसान के पास बोने के लिए अगर 2 बीघा ज़मीन है तो वो 2-3 फसल लगाएगा, तो उसको निकालने के लिए इसमें पूरा पर्पस है। तो मेन लघु और सीमांत किसान की समस्या को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने जो मॉडल लॉन्च किया वो किसानों के लिए बेहतरीन मॉडल है। छोटा किसान भी अपनी कम लागत के अंदर आय को बढ़ाने के लिए, कम लागत के अंदर अपना काम करने के लिए, कम लागत के अंदर अपना बेहतर क्वालिटी का काम करने के लिए श्री गणेश कंपनी ने अपना मिनी मल्टी क्रॉप जो मॉडल लॉन्च किया है वो किसान के लिए एक बहुत बढ़िया साबित होगा। तो ये जो थ्रेशर है इसके लिए आपने बताया कि 30 HP का ट्रैक्टर भी काफ़ी है, हाँ। तो इसका जो माइलेज है पर घंटे के हिसाब से, हाँ, वो कितना रहने वाला है? जो पर घंटे के हिसाब से इसका माइलेज है 2 लीटर रहेगा, ज़्यादा नहीं। अगर गीली फसल है तो 2.5 लीटर मिनिमम, 2.5 लीटर से ऊपर नहीं जाएगा। ज़्यादातर तो इसके अंदर 1.5 से 2 लीटर रहेगा। कोई भी आप क्रॉप फसल निकालोगे तो उसके अंदर पर घंटे के अंदर 1.5 से 2 लीटर तक रहेगा। उसके अलावा कोई गीली फसल है, थोड़ी बहुत लोड वाली फसल है, तो उसके अंदर घंटे के अंदर 2 से 2.5 लीटर तक का इसका माइलेज रहेगा। टायर की, तो इसमें जेके के टायर लगाए गए हैं, ब्रांडेड टायर है। और जो ट्रैक्टर में आगे वाले पहिए आते हैं 6 सोलह के, वही साइज इसमें रखी गई है। और जो एक्सल है वो भी हैवी ड्यूटी एक्सल इसमें लगा कर दिया गया है। देखो, कंपनी ने छोटा मॉडल लॉन्च करते हुए छोटे मॉडल के अंदर सारी सुविधा किसान को दी हुई है। किसान को अपने को मतलब ड्रम बदली करने के लिए सारा ईजी सिस्टम दिया हुआ है, जो लॉक सिस्टम दिया हुआ है किसान के लिए। ये खाली 2 मिनट का काम है, इसको लॉक को हटाया, लॉक हटाने के बाद में ऊपर करके किसान अपना आसानी से ड्रम बदली कर सकते हैं। ड्रम बदली करने में सिर्फ 5 या 7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
और उसके अलावा जो किसान है कि कम लागत के अंदर मतलब लेबर का कम खर्च के लिए ये मतलब जो इसका टोकरी दिया हुआ है ऊपर दिया हुआ बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, किसान आसानी से नीचे खड़ा खड़ा फसल आसानी से एक किसान अंदर डाल सकता है। और इसके अंदर जो ये पीछे से एलिवेटर का सिस्टम दे रखा है कंपनी ने, एलिवेटर का इसका मतलब ये है कि किसान अपनी पीछे की साइड जितना भी भूसा आ रहा है जितना भी कचरा आ रहा है जो कचरे के अंदर अगर दाना आएगा तो वो दाना इस एलिवेटर के माध्यम से आसानी से अंदर चला जाएगा। तो किसान को या तगर या बटन लगाने की ज़रूरत नहीं या कुछ पाल बिछाने की ज़रूरत नहीं, किसान की ज़रूरत को उसके लिए पूरा फायदेमंद है। इसके लिए पूरा सिस्टम दिया हुआ है, जो पीछे बड़ा भूसा या कोई फली या डंठल आएगा तो उसके अंदर ये पीछे नाली दी हुई है। उसके अलावा जो इसके अंदर जो अपन कांदा बोलते हैं, कांदा आता नहीं, जो कांदा को वापस देने जाने के लिए एलिवेटर की सुविधा दी हुई है। वो सुविधा इसलिए दी हुई है कि अपना माल ग्रेडिंग करने के लिए इसमें ग्रेडिंग का फुल सिस्टम दिया हुआ है, ग्रेडिंग का इसके अंदर डबल सिस्टम दिया हुआ है। ये तो है खाली लॉकिंग के लिए, ये हवा को कम और ज़्यादा करने के लिए, जहाँ माल अपना पूरा एकदम क्लियर हो रहा है पूरा साफ हो रहा है उस जगह अपन लेके इसको लॉक कर सकते हैं। अगर इससे अपन सेटिंग नहीं करना चाहते तो नीचे का भी सिस्टम दिया हुआ है सेटिंग करने के लिए, नीचे से अगर अपन ऊपर नीचे करके हवा को सेटिंग करके इसको एकदम माल क्लियर निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो इस मशीन के एसेसरी साथ में रखने के लिए टूल बॉक्स भी साथ में दिया हुआ है, टूल के अंदर कोई भी अपनी एसेसरी जैसे पाना है, एलंकी पाना है, पाना सेट है, वो कंपनी की तरफ से फ्री आएगा, टूल किट इसमें साथ में आएगा। उसके अलावा इस मशीन के अंदर छोटी मिनी मल्टी क्रॉप देखते हुए किसानों की सेफ्टी के लिए पूरा सेफ्टी दिया हुआ है। देखो आगे का कमर है बिल्कुल एकदम, किसान कोई भी किसान के खेत में काम करते हुए लेबर है या लेडीज है कोई भी हो तो उसके लिए पूरी सेफ्टी, आगे कोई बैरिंग या बेल्ट या पुली घूमती हुई आपको नीचे दिखाई देगी, पूरा सेफ्टी दिया हुआ है। उसके अलावा जो पीछे का दिया हुआ ये भी पूरा इसके अंदर सेफ्टी दिया हुआ, पीछे किसी तरह के कोई भी खड़े रहने से सेफ्टी के लिए हमारी कंपनी ने भारतवर्ष के अंदर नंबर वन पे कोई भी किसी हमारे आठ दस मॉडल के अंदर सेफ्टी के लिए सबसे बढ़िया सिस्टम हमारी कंपनी ने ही दे रखा है। ये भूसे के लिए दिया हुआ है, इसके अंदर फैन को छोटी बड़ी साइज के, जैसे अपन किसान अनाज निकालते हैं तो इसके अंदर जीरा निकालते हैं तो हवा की ज़रूरत कम पड़ती है, जैसे अरंडी निकालते हैं तो हवा की ज़रूरत अपने को ज़्यादा पड़ती है, मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अनाज निकालने के लिए इसका सेटिंग दिया हुआ है फैन के अंदर। फैन को अपन चाहे तो 4.5 इंच बना सकते हैं, फैन को अपन मतलब अंदर के पंखे को चाहे 4.5 इंच से लेकर 9 इंच तक, मतलब छोटा 4.5 इंच बड़ा से बड़ा 9 इंच तक अपन कर सकते हैं। मतलब बारीक अनाज ऊपर उठा रहा तो उसको छोटा कर दो, बड़ा अनाज या भूसा नहीं उठ रहा है तो उसको बड़ा कर दीजिए। उसके लिए एक अलग से यहाँ से भी सिस्टम दे रखा है, अगर अपना बड़ा अनाज है भूसा ऊपर नहीं जा रहा तो ये 3 प्लेट दी हुई है साइड में, इसको थोड़ा नीचे दबा लीजिए जितना भी भूसा होगा वो ऊपर उठ जाएगा। अब आपको बताएंगे कि इसको सेल करने के बाद कंपनी इस पर जो सर्विस है वो किसे प्रोवाइड करवाती है और वारंटी कितनी रहती है? किसान भाई मशीन की गारंटी है वो रबी वो खरीफ की फसल तक रहेगी, कोई भी आप जैसे मान लो रबी की फसल में खरीदी है तो रबी से लेकर वापस खरीफ की फसल एंड होगी वहाँ तक रहेगी, अगर आपने खरीफ की फसल में खरीदी है तो खरीफ से रबी की फसल एंड होगी जब तक मशीन की गारंटी रहेगी। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है तो इस पर जो गवर्नमेंट है वो कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है? इस ऊपर इस कंपनी की मिनी मल्टी क्रॉप बने हुए गवर्नमेंट 40,000 तक सब्सिडी अप्रूव कराती है, और बाकी की बची बात है तो इसे छोटे आइटम खरीदने के लिए किसान लोन की बहुत कमी रखते हैं, और है तो इसके अंदर सुविधा भी है लोन की, प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंकों के अंदर लोन की सुविधा उपलब्ध है। तो किसान भाइयों काफ़ी छोटी मशीन है काफ़ी कम कीमत की है, इसके बावजूद लगभग 40,000 की आपको इस पर सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप चाहें लोन लेना तो लोन की भी सुविधा है, वैसे इस पर लोन लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 40,000 की सब्सिडी काफ़ी है। अगर अब इस मशीन की एग्जैक्ट कीमत की बात करें तो कीमत के लिए हम डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर आपको नंबर प्रोवाइड करवाएंगे जहां पर आप कॉल करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, और कौन से एरिया से आप बोल रहे हैं वो आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको वहां की जो एग्जैक्ट कीमत है वो बता दी जाएगी। मिनी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, आपको पसंद आया होगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसानों के साथ शेयर करें ताकि जो किसान कम कीमत में थ्रेशर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए हेल्प हो सकती है। तो अगर आप कृषि से जुड़े ऐसे शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।